आइए सीधा रुख करते हैं स्काउट गाइड्स के एक कार्यक्रम में, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान में अब एक नया इतिहास रचा आपने। आज जो ये विद्यालय, देश का पहला विद्यालय स्थापित हुआ CBSE के कोर्स के साथ में, मैं अभी अंदर जाके देखा मैंने किस प्रकार से आवास की, अध्ययन की, भोजन की, लाइब्रेरी की, यूनिफॉर्म्स की, मुझे बताया गया PT ड्रेस, ट्रैक सूट सब निःशुल्क दिए जा रहे हैं। आवासीय विद्यालय के रूप में यह विद्यालय अपनी अमिट छाप छोड़े, और अंदर मैंने देखा है कि जो आधुनिक युग है, जो राजीव गांधी के सपनों की बात थी, हम कैसे दुनिया के विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी आगे बढ़ें, जहाँ पिछड़ापन नहीं हो, गरीबी नहीं हो, भुखमरी नहीं हो, बेकारी नहीं हो। और वही सोच के साथ में उन्होंने कहा था कि हमें नई शताब्दी में प्रवेश करना है तैयारी के साथ में। आज आप देख रहे हैं कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, कंप्यूटर का युग, IT की क्रांति, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट की सेवाएं, पूरी क्रांति हो चुकी है। स्काउट व गाइड के माध्यम से जो राजस्थान बालचर आवासीय विद्यालय खुला है, मैं समझता हूँ कि आवासीय विद्यालय जिस रूप में बना है, अंदर में देखा हमारे स्काउट के बालचर कंप्यूटर कोर्स भी कर रहे थे, कंप्यूटर सीख रहे थे, और 2 महीने के अंदर अंदर मैं समझता हूँ कि जो उपलब्धि हासिल की उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो टीचर्स लगाए गए हैं, टीचर्स वो भी स्काउट, अपने आप को स्काउट बनाए हुए हैं, स्काउट्स हैं, वो खुद वही छात्रों को पढ़ाएंगे। ये विद्यालय बहुत कामयाब हो, जैसे कि आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा ऐसे विद्यालय खुल सके, और संभागीय मुख्यालय पर उसके बाद में जिला मुख्यालय पर, ये हमारी सोच होनी चाहिए। क्योंकि ये तो अपने आप में जो भारत सरकार की योजना है मॉडल स्कूल की, उसके बड़े केंद्रीय विद्यालय जिसमें बनाए गए थे, मॉडल विद्यालय बनाए जा रहे हैं। इस पूरे देश के अंदर 6,000 मॉडल विद्यालय की घोषणा 15 अगस्त 2007 को देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, और क्राइटेरिया बना दिया जहाँ लड़कियों की शिक्षा सबसे कम है जिस ब्लॉक में, उस ब्लॉक को चयन किया गया। राजस्थान में 186 जगह वैसे आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। उसी तरह का ये मॉडल मानता हूँ मैं, केंद्रीय विद्यालय की तरह ही, आवासीय विद्यालय की तरह ही स्काउट के लिए भी बालचर विद्यालय आरम्भ हुआ है। बहुत सुंदर बना है, सुंदर व्यवस्था है, उसके लिए आर्य साहब और तमाम बापना साहब, तमाम उनके साथी बधाई के पात्र हैं। और ये बात कहता हूँ, मुझे खुशी है कि मुझे आज फिर आपके बीच में आने का अवसर मिला। आप सब यहाँ पर पहुँचे, और जो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम समय नहीं था वरना पूरा देखने का हम लोग आनंद लेते। मुझे खुशी है कि आपकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और आप इसी तरह स्काउट गाइड को मजबूत करें राजस्थान के अंदर, और अधिक छात्रों को जोड़ें। सरकार आपके लिए साधनों की कोई कमी नहीं आने देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।